हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनुप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे सेट थ्योरी, उसमें करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन में उसके लिंक दे दिए हैं, या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए तो आपको पूरा का पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर सेट आपको मिल जाएगा। तो आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर सी। तो यहां पे डेफिनेशन ये बोलता है कि ए अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और अगर हम यूनिवर्सल सेट से ए को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट उसके अंदर आएंगे उसे हम बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसे अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ये सेट है ए जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये बाहर जो हमने इसको एरिया को, रीजन को डार्क किया है, ये बनेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे इसे हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा लेकिन एक्स ए के अंदर नहीं होगा। अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो उससे ये आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लीजिए ये 9 तक है और मैंने पकड़ा ए, उसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 तक है। तो अब जब हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यू से हम ए को माइनस कर रहे हैं, मतलब यू के एलिमेंट को लिखेंगे वो वाला जो ए में नहीं है। तो ए में नहीं है, 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 को भी नहीं लिखेंगे, इसके बाद 5 भी है नहीं लिखेंगे, तो क्या हो सकता है 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे एलिमेंट आएंगे जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे लेकिन ए के अंदर ये नहीं है। देखिए ये ए के अंदर नहीं है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर ये और एक एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं आपको छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3 अप टू 6 तक पकड़ लीजिए, बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 2 है 4 है 6 है। तो अब हमें यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा, हम यू के वो एलिमेंट को लिखेंगे जो बी में है उनको नहीं लिखेंगे। तो यू के एलिमेंट्स को देखिए, 1 बी में नहीं है लिख लिया, 3 बी में नहीं है लिख लिया, 5 बी में नहीं है लिख लिया, और ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो वाला सेट जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। आगे देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है। नंबर 1, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है आपका यूनिवर्सल सेट। नंबर 2 बोलता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 5। तो ये आप जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपका ये ज्यादा क्लियर होगा। तो मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया मैंने, और एक सेट है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हम ए के यू के उस एलिमेंट को लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके सब आ गए, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। वहीं पे अगर आपने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 5, तो ये क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू बन गया। सेकेंड लॉ है यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 इसमें बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4
फाइव सिक्स सेवन एट मैंने ले लिया, सेट ए के अंदर पकड़ लेता हूं, एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है आपका थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पहले एक ही कॉम्प्लीमेंट में हमारा आ जाएगा, देखिए वन टू थ्री फोर को छोड़ के बाकी सबको लिखेंगे तो फाइव सिक्स सेवन एट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स को छोड़ के लिखेंगे तो वन आ जाएगा टू आ जाएगा, बाकी आपका इसमें कितना है थ्री फोर नहीं फाइव सिक्स नहीं आएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं आएंगे, कितना आएगा सेवन आएगा एट आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के लिखेंगे तो इसके अंदर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला सेट का एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, हम किसका लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे और इनको छोड़ के लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नहीं होगा, कितना आएगा सेवन और एट आ रहा है सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारा, सेवन और एट आ रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला लॉ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मैंने जस्ट इसको वेरीफाई किया है एक एग्जांपल के साथ में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है नंबर थ्री में लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर आप ए का एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर से वापस उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें वापस वही सेट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके इस एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितना है आपका फाइव सिक्स सेवन एट। अब इसका वापस अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे यू से फिर से माइनस करके लिखेंगे, मतलब ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे यू के उस एलिमेंट को लिखेंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपका फाइव सिक्स सेवन एट है, तो फाइव सिक्स सेवन एट को छोड़ दीजिए, बाकी को लिख दीजिए वन टू थ्री फोर आ जाएगा, जो कि वापस आपका क्या है ए है। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए मिलेगा। नंबर फोर में दिया गया है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है, अगर आप फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको यू मिलेगा और यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको फाइव मिलेगा। अब देखिए यहां हमने इसको यूनिवर्सल सेट पकड़ के रखा है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका हम क्या करेंगे, यू से हम यू को माइनस करके लिखेंगे, मतलब सेम सेट से सेम सेट अगर हम डिफरेंस करके लिखते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है फाइव मिलेगा। और अगर हम फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये क्या होगा यू माइनस फाइव, तो हम यू से तो कुछ भी गायब नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फाइव में कुछ होता नहीं है, तो ये आपका वापस क्या होगा u होगा। अब हम दो सिंपल सम देखते हैं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें इन सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है और हमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर को लेना है, तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कितना है वन टू थ्री डॉट 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 इस तरह से है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है, इसको हम ए मान लेते हैं, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये हमको दिया गया है नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर के अंदर हम यहां किसको लिखेंगे टू फोर सिक्स एट डॉट डॉट डॉट। अब आप इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये कितना होगा यू माइनस ए होगा, मतलब u से आप इसको माइनस करेंगे, u में कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट डॉट, और ये आपका सेट क्या है टू फोर सिक्स एट डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हम अगर माइनस करके लिखते हैं, मतलब इस सेट से इस सेट का डिफरेंस लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे सिर्फ ऑड नंबर आ रहे हैं वन थ्री फाइव डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x सच दैट x इज n
ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x such that x is equal to x plus 5 is equal to 8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले पकड़ लेंगे, हम इसको पकड़ लेते हैं a is equal to x such that x plus 5 is equal to 8। इसका मतलब क्या होगा, x such that x is equal to 3 बन जाएगा, मतलब इस सेट में सिर्फ x is equal to 3 ही एलिमेंट आएगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, u माइनस a होगा, मतलब 3 को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे, तो 3 को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे तो बेटर हम क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें 3 नहीं होगा, तो हम सीधा लिख देंगे x जो भी है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है एंड x का वैल्यू 3 नहीं होगा। देखिए नंबर 3 में भी हम क्या पकड़ लेंगे, a इज इक्वल टू x such that twice x plus 5 is equal to 9। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x such that twice x is equal to ये 4 बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका बन जाएगा x such that x is equal to 2, मतलब x के अंदर a के अंदर सिर्फ 2 है, तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सभी आएंगे लेकिन 2 नहीं आएगा, मतलब इसको हम सिंपली लिखेंगे x such that x is belongs to natural number, ये belongs to है natural number and x is not equal to 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो दरअसल हम n ऑफ a लिखते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। अगर हमने लिखा n ऑफ b तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका a के अंदर में इस तरह से एलिमेंट है, a है b है c है, देखिए a के अंदर a b c ये तीन एलिमेंट है, तो n ऑफ a का मतलब होगा इसके अंदर 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एलिमेंट्स है। अगर हमने लिखा यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a यूनियन b। उसी तरह से अगर हमने लिखा n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a इंटरसेक्शन b। अब इसके ऊपर कुछ रूल्स फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। लेट a एंड b आर टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट है। अब यहां पे हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, अगर 5 हो जाए देन हम क्या बोलेंगे, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू बनेगा हमारा n ऑफ a प्लस n ऑफ b। अब इसको हम वेन डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखिए ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है a, इसके अंदर दूसरा सेट है b, ये है a ये है b। अगर हमको n ऑफ a यूनियन b चाहिए तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, n ऑफ a मतलब a के अंदर जितने एलिमेंट है प्लस n ऑफ b के अंदर जितने एलिमेंट है, इनको प्लस करेंगे तो हमें a यूनियन b के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा भी है नंबर 2, वो क्या बोला जाता है, देखिए नंबर 2 बोला गया है इफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 5 हो देन ये हमारा बनेगा n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब यहां पे दरअसल होता क्या है, फिर से हम एक वेन डायग्राम ले रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए ये हमारा सेट a है और ये दूसरा हमारा सेट b है, ये b है ये a है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं a माइनस b, इसको हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b और ये है हमारा b माइनस a। अब यहां पे आप देखिए ये तीन पार्ट में बट रहा है, एक है a माइनस b, एक है a इंटरसेक्शन b और एक है b माइनस a, तो ये तीनों ही क्या है, डिसजॉइंट है। तो a माइनस b, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट है लेकिन एज ए होल ये क्या है, a यूनियन b है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ
ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी डिफरेंस ए, हम इन तीनों को एड करेंगे तो हमको ए यूनियन बी का वैल्यू मिल जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने एक साथ कर लिया, प्लस फिर से हमने एन ऑफ बी डिफरेंस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां था नहीं, इसको हम माइनस बैलेंस कर लेते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये था नहीं, हमने एक एक्स्ट्रा लगाया। तो देखिए यहां पे एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए डिफरेंस बी आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके आपका क्या बन रहा है, पूरा का पूरा सेट ए बन रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से बी डिफरेंस ए और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मिला के आपका क्या बन जाएगा, ये वाला आपका बन जाएगा एन ऑफ बी बन जाएगा, और ये आपका बैलेंस के लिए हमने जो लगाया था ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब इस पे तीसरा एक फॉर्म है वो देख लेते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म जो है इफ ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट देन, यहां आपका बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो फॉर्म है जब तीन फाइनाइट सेट के लिए अगर हम लेते हैं उनका यूनियन, तो यहां बनता है आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अंदर ये सेट ए हुआ, ये वाला आपका सेट बी हुआ और ये वाला आपका सेट सी हुआ, ये आपका ए ये बी ये वाला आपका सी हो गया, ये है यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे इन तीनों सेट के लिए ये फॉर्मूला आ जाए, इसका प्रूफ हम पहले वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, पहला वाला फॉर्मूला हमको क्या मिला था, इसका अगर हम प्रूफ करना चाहे तो ए वन एंड ए टू आर टू फाइनाइट सेट, अगर ये है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए वन यूनियन ए टू इज इक्वल टू एन ऑफ ए वन प्लस एन ऑफ ए टू माइनस एन ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू होता है, ये था हमारा फॉर्मूला। इसको हम एक इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं और हम यहां पे क्या करेंगे, रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ए वन बाय ए एंड ए टू बाय बी यूनियन सी से हम रिप्लेस कर देते इसी में। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए वन के जगह पे ए डाल देंगे यूनियन, ए टू के जगह पे हम बी यूनियन सी डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, जहां जहां आपका ए वन है वहां वहां आप ए डाल दीजिए, जहां जहां आपका ए टू है वहां आप बी यूनियन सी डाल दीजिए, तो माइनस एन ऑफ इसका होगा ए विद इन ब्रैकेट में हम दे देंगे बी यूनियन सी। तो अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देंगे इसको, अब ये आपका एन ऑफ ए रहेगा प्लस, अब देखिए इसके ऊपर हम फॉर्मूला नंबर वन लगाते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर वन, तो इसका क्या बन जाएगा आपका, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और यहां पे इस पे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। तो हमने यहां पे क्या किया, एक तो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन किया और दूसरा इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब ये वाला आपका क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी तो रहेगा, ये पूरा एज इट इज मैंने रखा। अब देखिए ये वाला पोर्शन में अगर इसको आप ए वन मानते हैं और इसको अगर ए टू पकड़ लेते हैं तो फिर से हम फॉर्मूला दे सकते हैं। तो मैंने माइनस दे दिया, यहां ब्रैकेट डाल दिया, इसको ए वन और इसको ए टू पकड़ के लिखता हूं मैं फिर से। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये फिर से हमने इसमें यूजिंग इक्वेशन नंबर वन किया, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी रहा, ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका ये बनेगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये वाला आपका हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। और देखिए ये माइनस माइनस आपका ये प्लस बन जाएगा प्लस, लेकिन देखिए यहां पे क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब एज ए होल ये क्या बन रहा है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बन रहा है। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या बना एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का हो गया आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख दीजिए पहले, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए लिख दीजिए, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो ये हो गया आपका ये प्रूफ। अब हम देखते हैं कुछ सम इसके रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे दिया गया इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17 एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, हमें निकालना है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू कितना होगा। हमें पता है फॉर्मूला था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां हमारा सब x और y में है तो हम इसे n ऑफ x और y में लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू को बिठा दीजिए, आपका यहाँ पे n ऑफ x यूनियन y का वैल्यू दिया गया है 38 इज इक्वल टू n ऑफ x का वैल्यू दिया गया है 17, n ऑफ y का वैल्यू दिया गया है 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना होगा, इसका हो गया आपका 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो पहले हम क्या पकड़ेंगे, यहां पे पकड़ लेंगे कि दो सेट है, लेट टी एंड सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां पे देखिए एन ऑफ टी 37 लाइक 52 लाइक टी बोला है तो 52 लिख लिया हमने, एन ऑफ सी कॉफी लाइक कितना दिया है 37 ये ले लिया, उसके बाद बोला ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, सब या तो चाय या तो कॉफी दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा बन रहा है एन ऑफ सी यूनियन टी का वैल्यू 70 बन जाएगा क्योंकि सभी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। हमें निकालना है कि चाय और कॉफी दोनों कितने पसंद करते हैं, मतलब हमें निकालना है कि सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू कितना होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी हो जाए। अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, इसका वैल्यू आपका है 70, इसका है 37, इसका है आपका 52 और ये हमें आपको निकालना है सी इंटरसेक्शन टी। तो ये हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए आपका बन जाएगा कितना 80
9 माइनस 17, तो ये बन जाएगा कितना 19, तो होगा क्या 19 पीपल चाय और कॉफी दोनों ही पसंद करते हैं, 19 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।